मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। यूपी दिल्ली समेत इन शहरों में झमाझम बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, प्रचंड गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तर भारत में भले ही भीषण गर्मी पड़ रही हो, लेकिन दक्षिण में मानसून आने की वजह से लोगों को काफी राहत मिल गई है। अब ये मानसून केरल से आगे के राज्यों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने खुशखबरी देते हुए दिल्ली, यूपी, बिहार आदि में मानसून के पहुंचने की संभावित तारीख भी बताई है। विभाग के अनुसार राज्यों में 5 दिनों तक बारिश हो सकती है। असम, मेघालय 12 और 13 जून को बहुत भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत में मौजूदा मानसून अगले 48 घंटों के अंदर गोवा और महाराष्ट्र के तटीय हिस्सों में आगे बढ़ेगा, फिर अगले 2 से 3 दिनों में इसके एमपी पहुंचते हुए उत्तर भारत में पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 15 जून तक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे बिहार को कवर कर सकता है। वहीं यूपी और दिल्ली में इसके 15 और 20 जून के बीच पहुंचने का अनुमान है। गुजरात में आंधी, तूफान और बारिश। अरब सागर के तट पर स्थित गुजरात में मौसम बेहद गर्म होती है। मई और जून के समय वहाँ भी झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, लेकिन अरब सागर में उठे बिपरजॉय तूफान के कारण फिलहाल यहाँ के हालात बदले हुए हैं। अहमदाबाद मौसम विभाग ने राज्य के अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका कच्छ और सौराष्ट्र होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 12 जून से मौसम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 जून को बादल छाएंगे, ये सिलसिला 19 जून तक बना रहेगा। उम्मीद है कि 20 जून से झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा और बरेली तक इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। यह पूरा मैदानी इलाका राजस्थानी गर्म हवाओं की चपेट में है। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज कुछ जिलों में बैतूल, हरदा, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, रतलाम, देवास, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और सागर में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। रविवार से मंगलवार तक इंदौर, उज्जैन, धार में बादल छाने के साथ वर्षा होने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर संभाग के डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राजस्थान में चक्रवात बिपरजॉय तबाही मचा सकता है, जिसको लेकर अलर्ट जारी हुआ है। वहीं शनिवार को भी राज्य में चक्रवात बिपरजॉय का असर दिखाई दिया। उत्तरी राजस्थान के एनसीआर से सटे इलाकों में कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। इनमें अलवर, झुंझुनू व चिरू जिले के कुछ इलाके शामिल हैं। इसके बाद 13 जून से पूर्वी राजस्थान के उदयपुर व पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र जयपुर के अनुसार 13 जून को डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर और 14 जून को बांसवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर जिलों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में आज बूंदाबांदी और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार, रविवार देर शाम तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में वज्रपात और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव का असर दिखेगा। इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। भीषण गर्मी वाले राज्य पंजाब में इन दिनों बेमौसम बारिश के कारण मौसम सुहावना है। बीती रात राज्य के कई जिलों में एक बार फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में कमी दर्ज की गई। लुधियाना राज्य का सबसे कम तापमान वाला शहर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से पूरे राज्य में फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। अगले 5 दिन पंजाब में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।